अभी इस सेशन से आप फेसबुक के बारे में कुछ यूज़ सीखने वाले हो, लाइक हाउ टू यूज़ फेसबुक फॉर आवर पर्पस। और इसमें जो हम सीखेंगे ये चार चीज़ें, पहला एंगेज योर ऑडियंस, दूसरा लिसन योर ऑडियंस, थर्ड डेवलप कंटेंट वगैरह, एंड फोर्थ प्रमोट योर इवेंट। ओके, बट इसके लिए हम रियल लाइफ स्टडी लेते हैं खुद जियो ऑडियंस फेसबुक ये रहा। अब अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो ये जियो का ऑफिशियल पेज है जिस पे 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर, सॉरी यूट्यूब के चलते चलते बार बार सब्सक्राइबर की मांग मारे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं है, फॉलोवर्स है और ये लाइक्स है। अब जो पहला पॉइंट है कि एंगेज करना, तो इनके पोस्ट को देखते हैं थोड़ा सा। एक दिन पुराना पोस्ट है, तो देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है एक दिन पुराना है और ये नॉर्मल फन टाइप की एक्टिविटी करी गई है। अब जब आप नीचे देखते हो तो किसी ने कमेंट करी है जियो फाइबर, जियो फाइबर बेकार की सर्विस देता है, जो वायर कनेक्ट है वो बेकार की सर्विस देता है और बिना वायर के तो उससे ज़्यादा मतलब अलग सर्विस दे। बट आप देख सकते हो कि जियो की ओर से उसका रिप्लाई आया हुआ है। ऐसे मैंने बहुत सारी कमेंट देखी जिन कमेंट पर ऐसे कुछ भी कमेंट थे जो जियो के बारे में स्पेशली नेगेटिव कुछ थे। तो और एक मिनट यहाँ भी देख रहे हो लगभग हर कमेंट पर जियो का रिप्लाई आया हुआ है, हर कमेंट पर। किसी ने यहाँ पर कहा है कि 4G में भी अनलिमिटेड डेटा लाओ, अभी जो 5G में फ्री मिल रहा है तो उस पर भी जियो का रिप्लाई आया है। बट हमें उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट एक एंगेजमेंट जो बनाने वाली बात होती है, आप देखो देख रहे होंगे कि जहाँ खुद बना रहा है। अब अबाउट में नॉर्मली आप इनके बारे में जाके देखते हैं तो इन्होंने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओके और बहुत ज़्यादा डिटेल कुछ मेंशन नहीं करी हुई है। अब चलते हैं जो हम बताना चाहते थे लाइव वर्क के बारे में। अभी आपके कुछ भी फंक्शंस हो रहे हैं या इवेंट हो रहे हैं तो उन्हें आप लाइव, जियो के जो मेजर फंक्शंस हुए हैं वो सारे ट्वेंटी थर्ड का 2 साल पुराना इवेंट सालाना यहाँ पर अपडेट है, 4 साल पुराना इवेंट ये उसी साल का कोई और इवेंट रहा होगा। ओके, बट हाँ इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं है, बट हाँ ऐसे लोग जो इस तरीके के इवेंट से कोई उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन रहा होगा तो वो इन इवेंट्स पे एंगेज जरूर होते हैं। और स्पेशली किसी भी कंपनी के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो B2B लीड्स होते हैं वो इनसे ज़्यादा एंगेज होते हैं नॉर्मल के कंपेरिजन पे। आप तीन सब चीज़ों को जरूर करें अगर आप फेसबुक पेज चला रहे हैं तो। और इवेंट कहाँ गया, इवेंट सॉरी लाइव पे थे। अब इवेंट जो भी इवेंट हुई है वो वही लाइव वाले कुछ कुछ इवेंट थे तो वो इवेंट भी यहाँ पर मेंशन है। कुछ चेक इन वगैरह लोकेशन से कुछ रिलेटेड हो तो वो भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो ये सब चीज़ें आप अपने भी पेज पे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि ये सब चीज़ें क्या है और इससे आपके बिजनेस में क्या फ़ायदा। तो इसके लिए हम चलते हैं PPT पर, थोड़ा और कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं जो बार बार इस तरह की चीज़ यूज़ करिए। जियो से पहले GoPro, इनका 10 मिलियन फॉलोवर्स है। इनका मेन यूज़ क्या करते हैं, ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट्स बनाकर लोगों को एंगेज कर रहे होते हैं। फिर रेडबुल का आपने अगर फेसबुक पेज देखा होगा तो उस पर भी अच्छे खासे 47 मिलियन फॉलोवर्स है। मेरे दिमाग में बार बार सब्सक्राइबर आ रहा है यूट्यूब करते हुए, तो वो भी सोशल मीडिया पर स्टोरी टेलिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट सबकी स्टडी से अलग अलग होती है, तो यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है कि कौन किस तरीके से। फिर यहाँ नाइकी के बारे में देख रहे हैं, इनके भी 37 मिलियन फॉलोवर है फेसबुक पेज पर, ये भी स्पोर्ट कल्चर्स वगैरह प्रमोट कर रहे होते हैं। फिर मैकडोनल्ड्स का बात कर रहे होते हैं तो ये भी फॉलोअर्स को अपडेट कर रहे होते हैं। ओके, फिर जियो से जियो हमने अभी एग्जांपल के साथ भी दिखा, और मैकडोनल्ड भी एंगेज होते हैं। ये किसी ने कमेंट करा था मैकडोनल्ड्स वाले भी, टाइम्स ऑफ इंडिया का पोस्ट लेकर, भाई आप जो फूड में है वो चीज़ यूज़ नहीं करते हो तो उसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट करी गई है। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से
फेसबुक का यूज़, सोशल मीडिया का यूज़ सभी कंपनियां कर रही हैं अपने कस्टमर से एंगेज हो रही है। पहली पॉइंट की बात हमने जो करी थी वो मैंने आपको सोशल मीडिया पर मतलब प्रूफ के साथ दिखाया सारी चीज़ों। अब चलते हम अपने पूरे कहाँ गया मेरा पीपीटी, ये होना चाहिए ओके। थोड़ा सा हम पीपीटी पर फुल फोकस पर। अब हमारी जो पहली पॉइंट थी हमें एंगेजमेंट वाली बात, वो एंगेजमेंट वाली बातें बोली दूसरी जो लिसन योर ऑडियंस। तो आपने देखा कि वो किस तरीके से उनके हर एक कमेंट को रिप्लाई कर रहा था, तो उससे समझ में आ रही कि लोगों की बात सुनी जाती है। फिर कॉन्टेस्ट वगैरह तो उस पर ऐसा कोई एग्जांपल मिला नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे अगर फ्यूचर में कुछ मिल जाता है तो मैं आपको इसके लिए अगर अलग से वीडियो बना दूँ। प्रमोट योर इवेंट यूज, जैसे इन्होंने भी इवेंट को जैसे इन्होंने भी अपने इवेंट को प्रमोट करी थी। अब जो ऑडियंसेस को एंगेज करने वाली बात आती तो यहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें आ रही है लाइक कमेंट रिएक्शंस और मैसेजेस। वन टू वन होंगे ज़्यादातर, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं, बट हाँ बाकी जो चीज़ें हैं कमेंट हो गया वगैरह वगैरह वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, वो दिखाई देता है। तो अब उसमें भी आपने देखा होगा कि मैसेज था कि आप हमें डायरेक्टली रिप्लाई करो मैसेज को, तो मैसेज पे भी एक एक्टिव है। और उसी तरीके से आपको भी एज अ कंपनी, एज अ फ्रीलांसर या सोलो प्रिनर जिस भी हिसाब से हो अपने बिजनेस को चला रहे हो, आप भी अपने बिजनेस में एक्टिव रहो और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहो, इससे एंगेजमेंट अच्छा बढ़ेगा। अब आपका सवाल ये होगा कि एंगेजमेंट बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, सीधा सा है, ये आपका ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज कर देगा। ब्रांड अवेयरनेस मतलब समझ ही रहे हो कि आपके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होंगे ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर या फिर दूसरे पॉइंट पर। अब इस सारी कॉमन फीचर्स है जिसका हम लोगों ने लाइव एग्जांपल देगा, बट हम इस पर बात नहीं करेंगे ज़्यादा। लिसन ऑडियंसेस, सिंपल सी बातें हैं कि कस्टमर्स के फीडबैक वगैरह जो भी चीज़ें आपको मिल रही है, कस्टमर्स कि कुछ नीड्स है वो आपको पता चल रहा है। लाइक किसी ने बताया था कि भाई मुझे 5G में आप अभी फ्री प्रोवाइड कर रहे हो तो 5G में भी दो, तो ये उनकी नीड थी, ऐसे कुछ चीज़ें होंगी तो आप नोट कर सकते हो। और ये जो तीनों फीचर्स हैं, थोड़ा सा स्लो होता है ओके, लाइव ऑडियो रूम्स, लाइव पॉडकास्ट, ये तीनों जो फीचर्स है अभी राइट नाउ USA में अवेलेबल है, इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। सो इस फीचर्स पे हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ बट फ्यूचर में ये अवेलेबल होंगे, तो जैसे ही फ्यूचर्स में अवेलेबल होते हैं तो आप सभी इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कंटेस्ट क्रिएट करने वाली बात, तो कंटेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सिंपल सी बात है कि आप कुछ भी चीज़ें कर रहे होते हो, कुछ भी इवेंट कर रहे होते हो, तो उनसे रिलेटेड कंटेस्ट या गेम यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे आप कि हाँ हमारे इतने सब्सक्राइबर इतनी चीज़ें करो और या फिर इतने हो जाए तो हम ये गिव अवे करेंगे, बिल्कुल उस तरीके से ओके। अब रूल्स तो होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। प्रमोट, सबसे मज़ेदार बात, क्योंकि जैसे मान लेते हैं इवेंट के बारे में बात करें, अब जियो की जो इवेंट थी, अब जियो की इवेंट में हर किसी के लिए वो काम की बात थी नहीं, तो पूरी भीड़ आ जाने से कोई मतलब नहीं है। उनके इन्वेस्टर्स होंगे या फिर उनके जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होंगे या फिर उन अलग अलग जो भी उनके B2B डील्स में या फिर बिजनेस पार्टनर्स बनने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो वो अगर इस इवेंट को देखे या फिर जो बनना चाहते हैं वो अगर ऐसे इवेंट को देखे तो इसलिए वो जियो के पार्टनर्स बनने वाले होंगे। इसी तरीके से आप भी अपने इवेंट्स को प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा B2B डील ला सकते हैं। और हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पर तो हमें फॉलो कर लें, और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो हमें सब्सक्राइब कर लें, और हमारे किसी भी दूसरे वीडियो आप देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली और वेबसाइट और एप्स एनीथिंग एनीवेयर एल्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने बिजनेस में फेसबुक का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।